उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन नो हरी टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज इन नो हरी टू कम हियर, ही इज इन नो हरी टू कम हियर। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, और ये मेल यानी मुजक्कर के लिए यूज होता है। एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, एज यही के साथ यूज होता है। एन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं है, कम ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना, आवर हेयर यहाँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू गो देयर, आई एम इन नो हरी टू गो देयर। आई ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहा जाता है, यानी स्पीकर को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, गो ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन जाना, और देयर मीन वहाँ। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू प्ले, वी आर इन नो हरी टू प्ले। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम, ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन हम स्पीकर या बोलने वाले को कहते हैं। आर ये हेल्पिंग वर्ब है। एन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं है। प्ले ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू स्लीप, आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी कहने वाले को कहा जाता है, और एम ये हेल्पिंग वर्ब है। इन नो हरी टू मीन कोई जल्दी नहीं, स्लीप ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन सोना। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए, उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो, उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। Rather mean उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, rather प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, और rather mean उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी, रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी, रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए, रादर आई गेव हिम द मनी,
Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. Ulta, tum shikayat kar rahe ho. Rather, you are complaining. Rather, you are complaining. Ulta, wo mujhe padha raha hai. Rather, he is teaching to me. Aisa bol raha tha, jaisa ke wo leader ho. Aisa padhata hai, jaisa ke wo ustad ho. ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो, ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher. He teaches as if he were a teacher. ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything. It seems as if she knows everything. One more example for better understanding. ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something. मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? उसका क्या होगा? मेरे पैसों का क्या होगा? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हेम हर देम या नाउन प्लस अदम वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या और सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me? Me ये object pronoun है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। What will become of us if you don't teach? What will become of us if you don't teach? बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। One more example for better understanding। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। What will become of him? What will become of him? One more example. मेरे पैसों का क्या होगा? What will become of my money? What will become of my money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पी एस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।